बता दें कि MPSOS ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के रुक जाना नहीं योजना के तहत 2,42,000 परीक्षार्थियों और ऑल ऑटो चलों के अंतर्गत 11,000 छात्र छात्राओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन 20 मई से 7 जून तक विभिन्न घोषित तारीखों पर किया था। इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा राज्य भर में 419 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षाएं 3-3 घंटे की 2 पालियों में आयोजित की गई थी। ऐसे में जो छात्र छात्राएं MPSOS द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हुए वो जल्द ही अपने परिणाम देख सकेंगे। परीक्षार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि नतीजों को ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा और इससे संबंधित लिंक को MPSOS की वेबसाइट पर एग्जिट किया जाएगा। परीक्षार्थियों को इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नए पेज पर अपने विवरण को भरकर सबमिट करना है। इसके बाद छात्र छात्राएं अपना परिणाम देख सकेंगे।